तो सर क्या हाल है, कैसे हैं? क्वाइट राइट ओके जी। तो आपका होमवर्क मैं देख लूंगा, आपने भेज दिया है, तो आगे क्लास को शुरू करते हैं। ये आज अस्सलाम पाप वालेकुम सर, इफेक्ट क्या हाल है? एंट्री जी, क्या कह रहे हैं आप तीनों अस्सलाम मौजूद? वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, तीनों मौजूद है ना आप? जी जी सर, तीनों हैं। उमर, अरशद और बाबर। ओके, यस सर। आप ठीक हैं सब ना? ऑल ऑफ यू आर राइट, क्वाइट राइट, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। तो आज हमारी एग्जांपल्स हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स हैं। कल मैंने आपको डेफिनेशन कोई थी इसकी, आज एग्जांपल्स करनी है हमने। इंशाल्लाह हम करेंगे कोई इसको एग्जांपल्स 25-30 करेंगे इंशाल्लाह आज इसकी, ठीक है? ताकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल दोगे उतना ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होंगे, आप जिंदगी मुकम्मल होंगे। परफेक्ट का मतलब ही मुकम्मल होता है, वो टेंस का नाम ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जमाना फेल माजी मुकम्मल। ओके, परफेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अपनी टॉकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं कि आपका काम परफेक्ट है, आपका काम मुकम्मल है। ओके, ये मैं आपको एक दे रहा हूँ, बड़ी प्रीशियस नॉलेज है आपके लिए। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे जबानी, कोई मस्तानी का मसला मुझसे पूछ लेना। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, लेट यू स्टार्ट जी नाउ। सर, एवरीबॉडी लिखें कि ही हैड टेकन द डिनर, ही हैड टेकन द डिनर बिफोर ही टुक टी, ही हैड टेकन द डिनर बिफोर ही टुक टी, फुल स्टॉप लगाए एंड पर। बिफोर के बाद टुक टी। बिफोर ही टुक टी, मैं फिर बोलता हूं, ही हैड टेकन द डिनर बिफोर ही टुक टी, वो रात खाना ले चुका था इससे पहले कि उसने चाय ली। ये पहला काम, यानी कि पहले आपने काम को माजी में मुकम्मल करना है, पास यानी दूसरे काम से पहले, वो है पास इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा काम है पास इंडेफिनिट टेंस का। चलें आगे, यस सर। ही हैड फिनिश्ड होमवर्क, शी हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर शी ड्रैंक वाटर, शी हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर शी ड्रैंक वाटर। स्पेलिंग का मसला मुझे पूछ लेना। वो जो है घर का काम खत्म कर चुकी थी इससे पहले कि उसने पानी पिया। शी हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर शी ड्रैंक वाटर, डी आर ए एन के, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म में है, पर ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक है। चले आगे, यस सर। आगे चलते हैं कि इट हैड रेंड इट हैड रेंड इट हैड रेंड, आर ए आई एन ई डी, इट हैड रेंड बिफोर इट हैड रेंड बिफोर द गेस्ट केम, बिफोर द गेस्ट केम, बारिश हो चुकी थी इससे पहले के मेहमान आया। इट हैड रेन्ड बिफोर द गेस्ट केम। चलें आगे, सी ए एन के एन क्या चीज?
किसका स्पेलिंग है सर? इट हैड रेंड आर ए एन ई डी आर ए आर ए आई एन ई डी आर ए आई एन ई डी रेन होता है ना आर ए आई एन रेन बारिश ईडी लगा देंगे रेंड हो जाएगा बिफोर सर बिफोर द गेस्ट बिफोर द गेस्ट केम सी ए एम ई सी ए एन सी ए एम ई ई नो 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 सी ए सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल एम फॉर मून ई फॉर एलिफेंट केम सी ए एम ई कम की सेकंड फॉर्म केम है सी ए एम ई यानी कि आप ओ की जगह पे ए लगा देंगे कम जो है ना कम बोलते हैं ना आप कम लिखते हैं वहां पे ओ हटा के वहां पे ए लगा दें सेकंड फॉर्म बन जाएगी वर्ब की ठीक है इट हैड रेन्ड बिफोर द गेस्ट केम फुल स्टॉप नेक्स्ट दे हैड प्लेड द मैच दे हैड प्लेड द मैच बिफोर बिफोर द फादर कॉल्ड बिफोर द फादर कॉल्ड सी ए डबल एल ई डी वो मैच जो है दे हैड प्लेड द मैच वो मैच खेल चुके थे इससे पहले के वालिद ने बुलाया कॉल्ड होता है बुलाया सी ए डबल एल ई डी कॉल मतलब होता है बुलाना लिख लिया आपने यस सर दे मैं फिर रिपीट करता हूं उसको फिर कर लेंगे कोई छोटी में गलती है ठीक कर लीजिएगा उसको दे हैड प्लेड द मैच दे हैड प्लेड द मैच बिफोर बिफोर द फादर कॉल्ड इससे पहले के जो है वालिद ने बुलाया आगे चलें लिख नेक्स्ट है वी हैड टेकन द मेडिसन वी हैव टेकन द मेडिसन बिफोर वी टुक द रेस्ट बिफोर वी टुक टी डबल ओ के सेकेंड फॉर्म में टेक की वी हैड टेकन द मेडिसन हम दवाई ले चुके थे या हम दवा ले चुके थे इससे पहले कि हमने आराम किया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है लिख लिया आपने क्या सर लिख लिया है आगे लिखे यू हैड गॉन टू कराची यू हैड गॉन टू कराची बिफोर बिफोर द फ्रेंड्स बिफोर द फ्रेंड्स रीच्ड Before the friend reached at railway station, before the friend reached at railway station, you had gone to Multan, ya Karachi kar lein, you had gone to Karachi. Tum Karachi jo hai, ja chuke the, isse pehle ke dost jo hai, wo railway station pahunche. यस सर लिख लिया चलें आगे आई हैड
आई हैड वॉच्ड द टीवी आई हैड वॉच्ड द टीवी बिफोर आई हैड वॉच्ड द टीवी बिफोर आई कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई कंप्लीटेड द वर्क मैं टीवी देख चुका था इससे पहले कि मैंने काम मुकम्मल किया टीवी देख चुका था इससे पहले कि मैंने काम मुकम्मल किया सर जी वो मेरा वो कट गया था मेरे को ज्वाइन करें मैंने पिछला जुमला लिखा ही नहीं है हाँ लिखे ना I had सर वो आप सर वो इनको बोले मुझे ज्वाइन करें क्या करें सर वो पिछले वाला जुमला क्या था यू हैड गोन टू कराची बिफोर द फ्रेंड ठीक है कनेक्ट हो गए सर मैंने नहीं लिखा मेरा कट गया था मैं बोल रहा हूँ दोबारा बोलता हूँ लिखे आप ये कहाँ से ये वाला जुमला जो है मैंने बोला था अभी यही वाला यू हैड गोन टू कराची बिफोर द फ्रेंड्स यू हैड गोन टू कराची बिफोर द फ्रेंड्स रीच्ड एट रेलवे स्टेशन बिफोर द फ्रेंड्स रीच्ड एट रेलवे स्टेशन सर स्टेशन की क्या स्पेलिंग है STATION स्टेशन यस सर आगे अगले वाला जुमला सातवां आगे है I had watched WATCHED I had watched the TV before I completed the work. इससे पहले कि मैंने काम मुकम्मल किया Before I completed the work. सर आगे जी आगे चलें आपका माइक को बंद रखे मैं बोल रहा हूँ क्लास में डिस्टर्बेंस होती है इस तरह जी आगे चलते हैं आगे है जी नेक्स्ट ही हैड स्टार्टेड जॉब ही हैड स्टार्टेड जॉब बिफोर ही टुक द डिसीजन बिफोर ही टुक द डिसीजन वो नौकरी शुरू कर चुका था इससे पहले कि उसने फैसला किया फैसले से पहले डिसीजन की स्पेलिंग डीईसी सी फॉर कैट ISION डिसीजन DECISION डिसीजन ही हैड स्टार्टेड जॉब बिफोर ही टुक द डिसीजन चले आगे यस सर आगे है शी हैड गॉट द सक्सेस वो कामयाबी हासिल कर चुकी थी वो कामयाब हो चुकी थी शी हैड गॉट द सक्सेस SUCCESS शी हैड गॉट द सक्सेस बिफोर बिफोर Before she joined job, उससे पहले के उसने नौकरी जो है नौकरी शुरू की सर ज्वाइन के ज्वाइंड JOINED ज्वाइंड
चले आगे. यस सर. ये जॉब के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, याद रखना इस बात को, ठीक है ना. जॉब से पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये याद रखना. वर्क के साथ लगाते हैं आप आर्टिकल, लेकिन वर्क जॉब के साथ से पहले आर्टिकल लगता है. वर्क से पहले आर्टिकल लग जाता है, जॉब से पहले आर्टिकल नहीं लगता. चलें आगे. यस सर. दे हैड टेकन द ब्रेकफास्ट. They had taken the breakfast before. They had taken the breakfast before. They had taken the breakfast before they went to market. Before they went to मार्केट. वो नाश्ता ले चुके थे इससे पहले कि वो बाजार गए. दे हैड टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर दे वेंट टू मार्केट. चले आगे. कितनी एग्जाम्पल होगी आपकी? यस सर. कितनी होगी एग्जाम्पल्स आपकी? 25. हम 10 11 वाली सर. हाँ जी. आगे अभी 10 हुई है. यस सर. यस सर. हम 25 तक जाएंगे ना आज. चलें जी आगे. आगे चलें. आगे लिखें कि वी हैड कम बैक फ्रॉम मरी. वी हैव कम बैक फ्रॉम मरी. हम मरी से वापस आ चुके थे. कम जो आए और बैक. वी हैव सर. वही नहीं नहीं हेड आएगा ना, वही आएगा ना आपका. आपका पर हेल्प की मतलब तो वही हेड ही रहेगा ना. पास्ट परफेक्ट टेंस है. वी हैड कम बैक फ्रॉम मरी बिफोर. सर जुमले की समझ नहीं है सर. वी हैड कम टू मरी. कम बैक. कम बैक. कम बैक. कम बैक टू मरी. कम बैक फ्रॉम मरी. फ्रॉम. कम बैक फ्रॉम मरी. स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम लगाते हैं ना. We had come back yes, sir, again. From Marie before we took the lunch. Before we took the lunch. L-U-N-C-H. हम मरी से वापिस आ चुके थे इससे पहले के हमने दोपहर का खाना लिया. We had come back from Marie before we took the lunch. चले आगे. यस सर. आगे लिखें कि यू हैड लेफ्ट जॉब. तुम नौकरी छोड़ चुके थे. यू हैड लेफ्ट जॉब बिफोर. बिफोर यू आस्क्ड. Before you asked, तुम नौकरी छोड़ चुके थे से पहले कि तुमने पूछा. You had left job before you asked. A-S-K-E-D. Before you asked. क्या सर आगे? चलें आगे. I had. I had won the match before. सर won की स्पेलिंग क्या होंगे? किसका जी? Won the match. Spelling. Won. W-O-N. Won. W-O-N. Win है और second form won है. Third भी won है. W-O-N. I had won the match. Before I called to cousin, इससे पहले कि मैंने अपने मैं जो है मैच जीत चुका था इससे पहले कि मैंने
कजन को बुलाया। सर कजन के स्पेलिंग क्या है? सी ओ यू एस आई एन, सी ओ यू एस आई एन, कजन। सर इसको उर्दू में हम किस तरह बोलेंगे? मैं ऐसे तो नहीं बोलते कि सुने सुने, मैं तो लिखे ना आप इसको, सर उर्दू में लिख लिया करें कि मैं जो है मैं जी चुका था इससे पहले कि मैंने दोस्त को बुलाया, यानी कि मैं जी चुका था पहले, दूसरा काम बाद में है। पहला ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दूसरा पास्ट डेफिनेट टेंस है, दूसरा काम बाद में आया। I had won the match before I called to a called C A double L E D before I called to friend. चलें आगे। Yes sir. आगे चलें। आगे आप लिखें कि he had completed the work, he had completed the work before he went for shopping. वो काम मुकम्मल कर चुका था इससे पहले कि वो खरीदारी के लिए गया। He had completed the work before he went for shopping. शॉपिंग की स्पेलिंग है एस एच ओ डबल पी आई एन जी, लोग सिंगल पी लगाते हैं, ये डबल पी होता है। शॉपिंग होता है खरीदारी, खरीदारी करना, एस एच ओ डबल पी आई एन जी, शॉपिंग। चलें आगे। यस सर। चलें आगे। शी हैड talked T A L K E D, she had talked, she had talked with brother before she joined to college, before she joined to college. वो भाई से बात कर चुकी थी इससे पहले कि उसने जो है कॉलेज शुरू किया, कॉलेज को अटेंड किया। Before she joined. Yes, sir. Yes. काली स्पेलिंग आते हैं सी ओ, काली स्पेलिंग सी ओ डबल एल ई जी ई है, लोग ए जी ई लिखते हैं, सी ओ डबल एल ई जी ई। अगर आप भी गलती करते रहे तो ठीक कर लें इसको, सी ओ डबल एल ई जी ई। चले आगे। यस सर। दे हैड स्पोकन द ट्रूथ, वो सच बोल चुके थे। They had spoken the truth before they went on picnic. Before they went on picnic, picnic is spelling P I C N I C. Picnic के क्या सर? P I C N I C. पिकनिक होता है घूमना फिरना, पिकनिक। सर वेंट है कि ई से? पिकनिक है पी आई सी एन आई सी, पिकनिक, पी आई सी एन आई सी। पिकनिक होता है सैर तफरी, घूमना फिरना। यस सर। आगे चले आगे। यस सर। यस सर। नहीं मसला तो पूछ ले, प्रॉब्लम हुई यार किसी का। सर वेंट जो है वो ई से है? नहीं, वेंट की बात कर रहे हैं,
W से. Yes sir. W W. W E N T. W E N T. Yes. ये second form है ना go की. Went. Go जाना और went गया. सर 16 examples होगी. 16 होगी ठीक है 25 तक पहुंचते हैं ना हम इसको. अच्छा अभी कौन सा हुआ pronoun कौन सा use किया मैंने अभी. दे है ठीक है आगे चलें. वी हैड वी हैड गॉन टू इस्लामाबाद. वी हैड गॉन टू आप कुछ भी कर सकते हैं मुल्तान भी कर सकते हैं पलटपिंडी भी कर सकते हैं. वी हैड गॉन टू इस्लामाबाद बिफोर Before we asked from parents, before we asked from parents, हम इस्लामाबाद जा चुके थे इससे पहले कि हमने वालदैन से पूछा. Before we asked from parents, यानी कि वहां जाके पूछा ना फिर जब पहुंच गए फिर पूछा जाके. चलें आगे. लिख लिया आपने जी आगे. यू हैड ये है लॉस्ट द मैच. लॉस्ट यू हैड लॉस्ट LOST तुम मैच हार चुके थे. यू हैड लॉस्ट द मैच बिफोर यू टुक द रेस्ट. तुम मैच हार चुके थे से पहले तुमने आराम किया. जी चलिए आगे. सर इसका मतलब कि मैच हार के तुमने आराम किया यानी कि नहीं ये नहीं हुआ ना यानी कि मैच हारने के बाद से आराम किया ना. सर ये पागल है हार गया था फिर उसने आराम किया. सर मैंने भी यही बोला है. जी मैंने बोला कि उसने मैच हार के फिर आराम किया ना. हाँ वही बात है ना वही बात हुआ. सर ये सोच रहा है खेलने से पहले आराम किया. हाँ पहले आराम नहीं किया क्योंकि वो किसी को बयान की जा रही है ना ठीक है ना कि उसने मैच हारने के बाद आराम किया पहले उसने आराम नहीं किया. मैच हार गया फिर उसने जाहिर है बंदा उसने हार के वैसे बंदा वैसे थक जाता है ठीक है ना. जी चलें आगे. यस सर. आई हैड ठीक है कि आई हैड टेकन द लंच. आई हैड टेकन द लंच बिफोर माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी. बिफोर माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी. इन्वाइटेड मी के क्या मुझे दावत दी. इन्वाइटेड मी मुझे दावत दी. मैं स्पेलिंग बोलता हूँ. सर स्पेलिंग क्या इन्वाइटेड मी के. मैं बोलता हूँ इन्वाइटेड है INVITED इन्वाइटेड मी. इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म है इन्वाइट की. पास्ट डेफिनेट टेंस है आपका. आई हैड टेकन द लंच मैं दोपहर खाना ले चुका था बिफोर माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी इससे पहले कि मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी. दोपहर खाने की दावत थी ना लेकिन वो खाना ले चुका था पहले बाद में ये दावत आई. शाबाश चलें आगे.
जी कितनी एग्जाम्पल हो गई आपकी अभी तक? यस सर, आगे कितना कहा था पहुंचे हम? 20 सर, 19 हो गई। पांच रह गई हैं या चार रह गई? सर वोकैबुलरी, सर वोकैबुलरी नहीं है। क्या कह रहे हैं? वोकैबुलरी कराएंगे ना, कराऊंगा ना आपको सर। 19 हाँ चले आगे चले ना, ये ऐसे करें। 19 हुई है अभी, 19 हुई है। यस सर, बस 20 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं ना, फिर हम वर्ब शुरू करते हैं। फिर चले 20 ठीक है आपके पैटर्न आपके, इससे आप 80 या 100 पर खुद ही बना लेंगे आप 100 पर। चले जी आगे एक और कर लें एग्जाम्पल। He had resigned from job. Resigned sir, resigned के spelling? Resigned, R-E-S-I-G-N-E-D. Resigned. R-E-S-I-G-N-E-D. Resigned. Resigned के spelling है, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। R-I-S-G-N-E-D. रिजाइन, इस्तीफा दे दिया। ही हैड रिजाइन फ्रॉम जॉब, उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, वो नौकरी से इस्तीफा दे चुका था। ही हैड रिजाइन फ्रॉम जॉब, वो नौकरी से इस्तीफा दे चुका था। बिफोर ही गॉट सजेशन, इससे पहले कि उसने तजवीज ली या किसे पूछा। सर ये सिचुएशन के स्पेलिंग? सिचुएशन तो नहीं बोल रहा मैं, सजेशन बोल रहा हूं। स्पेलिंग एस यू डबल जी ई एस टी आई यू एन, सजेशन। ये देखो सजेशन, एस यू डबल जी ई एस टी आई यू एन, इसका मतलब होता है तजवीज। सजेशन है तजवीज। सजेशन है तजवीज, सजेशन। यस सर, डबल जी लिख लिया आगे जी, मतलब समझ आ गया आपको? यस सर। ये क्या लिखा आपने बताया मुझे? एस यू डबल जी ई एस टी आई ओ एन, जुमला बोले पूरा। ही हैड रिजाइन फॉर जॉब बिफोर ही गॉट द सजेशन। ओके राइट, बिफोर ही गॉट द सिग्नेचर। बस ये जी आपके 20 आपके हो गई हैं एग्जांपल, आप जितनी मर्जी बनाएं, इसकी 60 बनाएं, 80 बनाएं, 100 बनाएं, ये आपके ऊपर है। ईट की एग्जांपल लेके बनेंगे बेजान के लिए। ओके सर, आप जितनी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ये मुझे भेजिएगा आप, जैसे आप भेजते हैं मुझे होमवर्क का। अच्छा आप शुरू करते हैं, कबरी की तरफ आ जाए। वोकैबुलरी वर्ड्स मीनिंग्स, ये आप क्या आपका मैंने वो नेम अवेलेबल आपके हो गए थे, नेम अवेलेबल हो गए थे आपके? कौन से सर? नो सर, आपकी क्लास के इंग्लिश में सब्जियों के नाम थोड़े बहुत हो गए हैं। कितने हुए हैं सर? देख के बताता हूँ सर, आप वापस पूछिएगा अगर आप जो हो गए हैं वो फिर उनको जो आप देख लें जरा, ये ना हो गए वो रिपीट ना हो जाए ना। सर आप इंद्रंस तक पहुंचे थे, बोले कौन कौन से हुए हैं जल्दी बताएं। इंद्रंस, अफ्रेड, फेयर, फ्लिंच, फूड दी सिग्नेचर,
और ये सब्जियों के नाम नहीं है अल्लाह के बंदे। यार ये क्या कह रहे हैं, ये पागल हो गया सर। ये सब्जियों के नाम बताओ यार। आनियन, पोटैटो, टमाटो। सर बताता हूँ, आनियन, पोटैटो, टमाटो, चिली, स्पिनच, कोरिएंडर, पम्पकिन, गार्लिक, बिटर गोल्ड, ब्रिंजल, रेडिश, कैरेट, बीन्स, टर्निप, बीन्स, दी करी, एप्पल गोल्ड, बोतल गोल्ड और ओकरा, लेडी फिंगर, क्यूकम्बर, चिंजर, सैलेड और रेडिश, गार्लिक, रेडिश, जिंजर। okay. कितने कितने okay. ये जब इनके नाम गिने, कितने ये हैं टोटल, कितनी वेजिटेबल्स हैं ये? उमर आप ही देखो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सब्जियां हैं। 24 हैं, ठीक है। इनके तीन रहती हैं अभी, चलें वो फिर अभी आपको मैं बता दूंगा। अच्छा सर, वो हो गया स्पिनच, हो गया स्पिनच, पालक, स्पिनच हो गया, स्पिनच भी हो गया, हो गया, कोरिएंडर हो गया, क्यूकंबर हो गया, सर हो गया, क्यूकंबर क्या हो गया, ओकरा भी हो गया यार, क्यूकंबर भी हो गया, क्यूकंबर, एप्पल गोल्ड, बोतल गोल्ड, बिटर गोल्ड, यस सर ये सब हो गए, ये भी हो गए, गार्लिक, जिंजर, बीन्स, पीस, ओके सर, बीन्स, पीस, जी पीस, अच्छा तो ठीक है, मतलब तीन, ब्रिंजल हो गया था, बैंगन हो गया, ब्रिंजल भी हो गया, जी ब्रिंजल भी हो गया, स्पिनच भी हो गया, चलें ठीक है, वो दो तीन नाम रह गए, चलो मेरे में आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा उसका। चलें आगे चलते हैं, शुरू करते हैं कबरी को, ठीक है। ये सर आज है पॉलिटिक्स, है सियासत, पॉलिटिक्स, सियासत, पॉलिटिक्स है सियासत, पी ओ एल आई टी आई सी एस, पॉलिटिक्स, सियासत। टिप कहते हैं टोटका, टी आई पी, टोटका, टिप, आगे चलें। फ्रॉड कहते हैं धोखा, एफ आर ए यू डी, फ्रॉड है धोखा, एफ आर ए यू डी, फ्रॉड। कट पर्स कहते हैं जेब तराश, कट पर्स, जो जेब तराश होता है उसे कहते हैं कट पर्स, जेब तराश, कट पर्स, जेब तराश। प्रीशियस कहते हैं कीमती, प्रीशियस, जो जो कीमती होती है, गाड़ी हो गई या मकान हो गया या घड़ी हो गई, कीमती, जो बड़ी महंगी होती है, प्रीशियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रीशियस, प्रीशियस। स्ट्राइक कहते हैं हड़ताल, स्ट्राइक, एस टी आर आई के ई, स्ट्राइक कहते हैं हड़ताल, अक्सर मुल्क में होती रहती है हड़ताल, स्ट्राइक होती रहती है शहरों में। सर प्रीशियस कीमती, 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 जो महंगी चीज होती है, कीमती, जेवरात हो गए, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, ये कीमती चीजें जो होती हैं। सर उसको एक्सपेंसिव नहीं कहते, प्रीशियस वो तो सभी कहते हैं, एक्सपेंसिव भी कहते हैं, लेकिन आप ये वर्ड ज्यादा बोला करें, वो तो सभी बोलते हैं एक्सपेंसिव, वो भी लिख दूं आपको? नहीं सर रहने दें उसको, मगर पता है तो रहने दो यार, पता है तो सर लिखवा दें, प्रीशियस, अगर नहीं पता मैं वो भी ले लेता हूँ, एक्सपेंसिव लिख दें सर, ये भूल गए तो वो ये बोल देना फिर, एक्सपेंसिव।